कुछ ऐसी ही लोगों की लापरवाहियों का फायदा उठाकर नटवरलाल ठगी का बादशाह बन गया। बड़े बड़े नेताओं के नाम पर जब नटवरलाल ने लोगों को ठगा। दिल्ली का कनॉट प्लेस, सुरेंद्र शर्मा की घड़ी की दुकान। सफेद कमीज और पैंट पहने एक बूढ़ा आदमी घड़ी की दुकान में जाता है और खुद का परिचय वित्त मंत्री नारायण दत्त तिवारी का पर्सनल स्टाफ डीएन तिवारी के रूप में देता है और दुकानदार से कहता है कि प्रधानमंत्री राजीव गांधी के दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं, इसलिए उन्होंने पार्टी के सभी वरिष्ठ लोगों को समर्थन के लिए दिल्ली बुलाया है और इस बैठक में शामिल होने वाले सभी लोगों को वो घड़ी भेंट करना चाहते हैं। तो मुझे आपकी दुकान से 93 घड़ी चाहिए। दुकानदार को पहले तो इस आदमी की बातों पर शक हुआ, लेकिन एक साथ इतनी घड़ियों को बेचने के लालच से खुद को रोक नहीं पाया। फिर अगले दिन वो बूढ़ा आदमी घड़ी लेने दुकान पहुंचा। दुकानदार को घड़ी पैक करने की बात कहे एक स्टाफ को अपने साथ नॉर्थ ब्लॉक। नॉर्थ ब्लॉक वो जगह है जहां प्रधानमंत्री से लेकर बड़े बड़े अफसरों का ऑफिस होता है। ले गया। वहां उसने स्टाफ को भुगतान के तौर पर 32,829 रुपए का बैंक ड्राफ्ट दिया। दो दिन बाद जब दुकानदार ने ड्राफ्ट जमा किया तो बैंक वालों ने बताया कि वो ड्राफ्ट फर्जी है। फिर दुकानदार को समझ आया कि वो बूढ़ा आदमी नटवरलाल था और इसके बाद कभी वित्त मंत्री तो कभी वाराणसी के जिला जज का नाम तो कभी यूपी के सीएम के नाम पर नटवरलाल अलग अलग शहर में दुकानदारों का चूना लगाता रहा। नटवरलाल के कारनामे यही नहीं रुके, बल्कि उसने देश के बड़े बड़े ऐतिहासिक धरोहरों तक को बेच डाला। ठगी में नटवरलाल इतना शातिर था कि उसने 3 बार ताजमहल, 2 बार लाल किला, 1 बार राष्ट्रपति भवन और 1 बार संसद भवन तक को बेच दिया था। राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के फर्जी साइन करके नटवरलाल ने संसद को बेच दिया था। जिस समय संसद को बेचा था उस समय सारे सांसद वहीं मौजूद थे। कहते हैं कि नटवरलाल के 52 नाम थे, उनमें से एक नाम नटवरलाल था। सरकारी कर्मचारी का भेष धरकर नटवरलाल ने विदेशियों को ये सारे स्मारक बेचे थे। इनकी ठगी पर मिस्टर नटवरलाल फिल्म भी बन चुकी है जिसमें बिग बी अमिताभ बच्चन ने इनका किरदार निभाया है। अच्छा, तो कल आप वहां जाएंगे? न जाने की वजह? ये तो आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं और ये भी जानते हैं कि हम आपको नहीं जाने देंगे। क्यों, मेरा कसूर? कसूर? कसूर तो आपके इरादों से ही शुरू हो जाता है। नेकलेस तो आपने देख ही लिया है। और अब बात फिल्म इंडस्ट्री की छिड़ी है तो आपको एक किस्सा और बताता हूँ। नटवरलाल ने निर्माता निर्देशक से वसूले थे 3 लाख रुपए। उन्हें जब पता लगा कि अमिताभ बच्चन के अभिनय वाली फिल्म नटवरलाल उनके नाम पर बन रही है तो फिल्म के निर्माता निर्देशक के खिलाफ कोर्ट में केस दायर कर दिया। काफी मिन्नतों के बाद नटवरलाल ने निर्माता निर्देशक के समझाने पर 3 लाख रुपए देकर मुकदमा वापस ले लिया। इस फिल्म से उसकी खूब शोहरत बढ़ी।